तो भाई अब निकल चुके हैं हम एक नए देश के लिए जिसका नाम है केप वर्डे, और ये वेस्टर्न मोस्ट कंट्री होगी अफ्रीका में, अमेरिका साइड। एक घंटा और पीछे चले जाएंगे अभी हम टाइम में, -1 के टाइम में आ जाएंगे हम, इंडिया से 6.5 घंटे पीछे। नाइजीरिया में थे 4:30, फिर हुए 5:30, अब हो जाऊँगा मैं 6:30। तो भाई टैक्सी ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा पर यहाँ पर टैक्सी आनी बड़ी मुश्किल हो रही है, तो 500-600 मीटर चल के जाना पड़ेगा, वहाँ पे आ रही है टैक्सी, तो चल के चलते हैं तो पहुँच जाएंगे। आज क्या है, जो कल रात को टैक्सी वाला मिला था ना, वो कहता भाई आज के कोई प्लान मत बनाना। मैंने पूछा क्यों ना बनाऊँ भाई प्लान में, तो कहता जो ऑपोजिशन का लीडर है ना, यहाँ के जो सैनिकल के प्रेजिडेंट का ऑपोजिशन का लीडर है, उसका आज कोर्ट में केस है, तो उसकी वजह से दंगे फसाद हो सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा किस चीज़ पे केस चल रहा है, तो कह रहा वही लड़कीबाजी के चक्कर में केस चल रहा है उस पर, तो आज उसका ट्रायल है कोर्ट में, दंगे हो सकते हैं, इसलिए आज हो सके तो कोई प्लान बार बार मत निकलना आप। पर मेरी तो फ्लाइट थी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ी पता था केस वेस है। तो फ्लाइट तो मेरी 5:00 की है, अभी बज रहे हैं 10:00 लगभग, 10, तो मैं अभी से ही निकल गया हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले ट्रेन लेनी है और फिर उसके बाद ट्रेन स्टेशन से एक बस लेनी है। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट टैक्सी लेते हो ना, तो 20-25 हज़ार फ्रैंक से कम नहीं मांगते 60 किलोमीटर के, जो कि बनता है $30 से $40। तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, तो मैंने कहा इतना तो नहीं है, थोड़ा बैग वैग उठा लेंगे, $40 अपने बच जाएंगे। तो चलते हैं होटल में, कल बहुत मतलब बुरा सा ही एक्सपीरियंस था, वो भी बताता हूँ आपको, थोड़ी सांस गेन कर लूँ पहले। भाई कल क्या हुआ, दिन में वाईफाई ठीक करने वाला आ गया, खैर वाईफाई में कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी रात मस्त चला, दिन में ही मस्त चला, पर दिन में आ गया एक वाईफाई ठीक करने वाला। और भाई यहाँ पे देखो पूरे इजिप्ट की याद दिलाते हैं मेरे को, ये घोड़े चलते रहते हैं यहाँ पे मेन सिटी में। तो वाईफाई ठीक करने वाला आ गया, तो भाई उसने वाईफाई राउटर उखाड़े पता नहीं कहाँ लगाया क्या लगाया, फिर मेरा वाईफाई नहीं चला दोपहर में, 3-4 घंटे हो गए अपना काम कर रहा था, नहीं कर पाया। मैंने कहा चलो बाहर घूमने चलते हैं, मैंने तब भी कंप्लेंट करी, कहती लड़की चल जाएगा। फिर मैं रात को आया, तब भी नहीं चल रहा था, मैं नीचे जाके भाई सुबह से नहीं चल रहा, अगर तुम्हारा नहीं चल रहा सिर्फ मेरे फ्लोर पे नहीं चल रहा, और रिसेप्शन में बंदा बैठा मस्त वाईफाई चला रहा है, तो मैंने कहा रूम चेंज कर दो, कहते हाँ रूम चेंज नहीं कर सकते हम। मैं वहाँ से गुस्से में निकल गया, मैंने कहा रूम मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा चेंज करना भी मत, मैं तुम्हें booking.com और गूगल रिव्यूज़ पे 0-0 स्टार दूंगा, बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। तो गूगल पे तो कल ही दे दी, बुकिंग पे आज दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद 1.5-2 घंटे बाद बंदा आया, कहता कि आ जाओ आपका रूम चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं सो रहा हूँ, मैं सो गया फिर। और मैंने कहा कौन सा मैं मर रहा हूँ बिना वाईफाई के, पर इनके रिव्यूज़ ख़राब कर दूंगा मैं। और अब चलते हैं एयरपोर्ट, यहाँ पे पहुँच गए हम स्टेशन, और बिल्कुल फ्रांस के स्टेशन की तरह यहाँ पे देखो लिख रखा है, और ट्रेन भी थोड़ी वैसी सी छाप रखी है। ये है स्टेशन भाई, बहुत पुराना सा लग रहा है यार ये तो, मतलब जैसे कि फ्रांस वालों ने ही बनाया हो। चलो अंदर चल के टिकट देखते हैं, बड़ा सही लग रहा है यार ये, 10 बज गए होंगे हैं 15-17 मिनट, हर 10 मिनट में चलती है यहाँ से ट्रेन। देखो इसी स्टेशन जाना, ये लास्ट स्टेशन है, अभी एयरपोर्ट तक पूरी कनेक्ट नहीं हुई है, धीरे धीरे लोग पूरी एयरपोर्ट पे कनेक्ट करेंगे इस ट्रेन को, तो 10:25 पे अगली ट्रेन, तो हो सका तो इसी पे चलेंगे। अभी लाइन यहाँ पे टिकट की थोड़ी लंबी लगी है, 1 टिकट 2nd क्लास, यस दैट स्टेशन लास्ट स्टेशन एयरपोर्ट, यस 1 Thank you. भाई देखा जाए तो बड़ा मॉडर्न सौदा कर रखा है यार इन लोगों ने। इस ट्रेन के बारे में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं एयरपोर्ट सस्ता जाने के साधन ढूंढ रहा था, तो ये ट्रेन बनी है $1 बिलियन के लागत से, मतलब 1 बिलियन यूरो डॉलर कुछ भी मान लो आप, 1 बिलियन। और यहाँ पे देखो फ्रांस की तरह 2 लिखा है, मतलब ये 2nd क्लास है, इसमें 1st क्लास भी है जिसकी टिकट 3,000 की है,
पर मैं जाऊंगा सेकंड क्लास में क्योंकि बहुत हो गया फर्स्ट फर्स्ट, और यहाँ पे भी सीट है। भाई यहाँ पे हम पहुँच गए जमुना चौक, ये है स्टेशन, इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन, और बिल्कुल फ्रांस की तरह बना रखी है भाई ट्रेन, तो मेरे को तो बढ़िया लगी। पर एक में गलत चीज़ क्या पढ़ के आ गया कि आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा नहीं लगता है, लगता है लगभग 45 मिनट लगते हैं। 11:10 हो रहे हैं अब। यहां से एयरपोर्ट जो है ना वो 15-16 किलोमीटर रह गया है बस, और यहाँ तक मैं आ गया हूँ 2600 फ्रैंक में। ठीक है, चाहता तो वो सस्ते में भी आ सकता था क्योंकि एक स्टेशन इसमें से ना हमारी ट्रेन का हमारे पास भी था, तो वहाँ तक की शायद 500 फ्रैंक की मिलती टैक्सी, पर मैं मेन स्टेशन तक गया क्योंकि मेरे को कन्फर्म नहीं था यार ट्रेन वो स्टेशन ऑपरेशन है नहीं है, रुकती है नहीं रुकती, पर लगभग ये मान लो आप 10 से 12 स्टेशन के बीच में रुकती भी आई है, तो जहाँ भी आपका होटल है उसके पास वाले स्टेशन में आप रुक सकते हो, मतलब उससे बोर्ड कर सकते हो। तो अब यहाँ से 15 किलोमीटर है, यहाँ से एक एयरपोर्ट बस जाती है, पर उस बस का पता नहीं अभी टाइमिंग वगैरह क्या है सिस्टम, अगर यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ गई ना तो जितने पैसे बचाए ना सारे लग जाएंगे तुरंत, चलो फिर तो देने ही पड़ेंगे, पर अपनी तरफ से तो हम बचाने की कोशिश करेंगे ही। मेरे पास अभी बचे हैं इनके जो फ्रैंक हैं 14,000 के करीब बचे हैं मेरे पास, देखते हैं कितने बचा पाते हैं। तो ये निकल रहे हैं हम ट्रेन स्टेशन के बाहर, होपफुली एक बस खड़ी हुई दिख रही है, और मैंने एक बंदे से पूछा एयरपोर्ट जाना है तो कहता है यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ लिखा भी है बसेस टैक्सीज पार्किंग, तो देखते हैं इनसे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन वालों से। तो भाई ये मैं लेके आ गया हूँ टिकट, 3,000 फ्रैंक की टिकट है, और उसने पूछा फ्लाइट कितने बजे, मैंने कहा 5 बजे, कहती अच्छा तो थोड़ा टाइम लगाया, फिर कहती बस आएगी 12:30 बजे, तो 12:30 बजे वाली बस में आप जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि एयरपोर्ट से भर के आती है और एयरपोर्ट से यहाँ लोगों को छोड़ती है, और फिर यहाँ से खाली जाए कैसे भी जाए उस बस की मर्जी है, तो 12:30 बजे आएगी बस, सब पैसेंजर्स को उतारेगी, और यहाँ पे एक जो दो पैसेंजर होंगे अभी तो खैर मैं ही लग रहा हूँ, उनको लेके एयरपोर्ट जाएगी। तो टोटल मिला के मैं 5600 फ्रैंक में एयरपोर्ट पहुँच गया 60 किलोमीटर, तो ये काफ़ी सस्ता ही पड़ा है लगभग। अगर मैं लेने पे आता टिकट वो टैक्सी की फेयर 20 से 25,000 फ्रैंक वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो चलो वेट करते हैं, अभी तो 11:15 ही हुए हैं, 1.5 घंटा कुछ वेट करना पड़ेगा। आग लगने का वो आ गया और कह रहे हैं स्टेशन से बाहर निकलो सारे, देखो ये बज रहा है ना सायरन सा, ये लिखा है भाई इंग्लिश में भी आया था अभी, ड्यू टू ए फायर प्लीज इवैक्यूएट द स्टेशन इमीडिएटली। खैर आग लग दिख नहीं रही मेरे को कहीं पे, पर चलो प्रिकॉशन के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। देखो अभी आएगा लिखा हुआ, इंग्लिश में भी आएगा। अभी भाई फायर अलार्म चल गया था तो सबको बाहर कर दिया, मेरे को लग रहा है किसी ने सिगरेट फूंक दी फायर अलार्म के नीचे खड़े होके, बज गया फायर अलार्म, सबको बाहर गया, कह रहे नॉर्मल है कुछ नहीं आग वाग लगी, वापस आके अंदर बैठो, तो वापस आ गए, आधा घंटा और बचा है बस आने में भी। उम्मीद थी कि ऐसी बस आएगी, ये क्या मिनी बस ही भेज दी इन्होंने, 3,000 की टिकट बताओ, इससे अच्छा ट्रेन ही है यार, जल्दी बनाओ उसको, ख़त्म करो एयरपोर्ट तक बना के, अभी तो 12:30 ही चलेगी, 12:05 हो गए और अभी तो भाई 12:10 पे ही निकल चुके हैं हम तो यहाँ से, कुछ फिक्स टाइमिंग वाइमिंग नहीं इन बसों की। अब यहाँ से 23-24 किलोमीटर है शायद, मैंने अभी गूगल पे चेक किया, या तो मतलब पूरा एयरपोर्ट का दिखा रहा है, वैसे है तो 15 किलोमीटर, पर शायद 21 किलोमीटर जाना है हमको, तो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे शायद। भाई 20 मिनट के बाद मैं पहुँच गया हूँ ब्लेस डियागे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये पता नहीं कैसा था नाम है, कोड है DSS, एक एयरपोर्ट डकार के बीचों बीच भी है पर वो चलता नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप मैप पे देखोगे ये है कुछ 60 किलोमीटर बाहर। चलो टाइम पे पहुंच गया, यही अच्छी बात है, 12:30 पहुंच गया और फ्लाइट है मेरी 5 बजे, तो मैं चला था अपने होटल से 9:30 बजे करीब, तो 3 घंटे लग गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने के, टैक्सी में आओगे तो लगभग 1.25 घंटे पहुँच जाओगे। तो ये आ गया, अब देखते हैं कब होएगा चेक इन ओपन।
यार यहाँ देखो 5 बजे की जो फ्लाइट है कोनाक्री से ऊपर KP0054, ये है मेरी फ्लाइट, पर लिखा है लोमे जाएगी, ये लोमे जो है टोगो में है, पता नहीं क्या है। अपना चेक इन ओपन और इसका एयरलाइन चल जा रहे हैं। भाई चेक इन मेरा हो गया, कहती रिटर्न टिकट नहीं है, मैंने कहा वहाँ से दुबई की है, देखी नहीं कुछ भी, ना होटल बुकिंग, ना टिकट, ना वीज़ा, क्योंकि इनका वीज़ा मैंने आपको 2-4 वीडियो पहले बताया होगा कि इनका ऑनलाइन सिस्टम है, आपको एक एयरपोर्ट का टैक्स देना होता है, सब लोगों को देना है, वो एयरपोर्ट का टैक्स अलग से होता है 30 यूरो और वीज़ा के अलग से 25 यूरो, तो वो सब मिला मिलो के कुछ 53 यूरो बन रहे थे। तो ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हो रही थी, तो मैंने मेल करा था इनको कि पेमेंट नहीं हो रही, तो कहते कोई नहीं आप एयरपोर्ट पर दे सकते हो। तो चलते हैं आप अपना इमिग्रेशन की तरफ। तो भाई इमिग्रेशन हो गया, कुछ भी पैसे नहीं मांगे मेरे से, क्या एयरपोर्ट पर मांगने थोड़े मुश्किल ही होते हैं, पर कई देश ऐसे हैं जो आपसे एयरपोर्ट पर ही मांग लेंगे, बख्शेंगे नहीं, और सेनेगल भी उनमें से एक है, मांग लेते हैं कभी कभार। सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे बढ़िया तो ये था यार, मेरे से कुछ वीज़ा पूछा ही नहीं कि वीज़ा है नहीं है, सबसे बढ़िया है केप वर्डे वालों ने क्या सिस्टम लॉन्च किया है ना, कि आपको मतलब सब कुछ ऑनलाइन करना है, वीज़ा की पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो, हम आगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो मेरे को भी नहीं पता, पर पेमेंट ऑनलाइन कर दो, और उनका सिस्टम सारा फॉर्म वॉर्म मस्त भरेगा आपका, पर पेमेंट ही नहीं लेगा। तो मैंने मेल करा उनको कि भाई ऐसे ऐसे पेमेंट में दिक्कत आ रही है, क्या मैं पेमेंट एयरपोर्ट क्या करूँ मैं, तो कहती आप एयरपोर्ट पे आके पेमेंट कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, तो कहती एयरपोर्ट टैक्स आप एयरपोर्ट पे आके कर सकते हो। मैंने कहा वीज़ा, कहती वीज़ा भी कर सकते हो आप, तो वैसे पूछा नहीं मेरे से कुछ भी, एयरपोर्ट पे जाके कर देंगे आप डायरेक्ट, वैसे भी ऑनलाइन में दिक्कत ही रहती है। ये भाई इस तरफ खड़ी है कीनिया एयरवेज, बाहर निकल के दिखाता हूँ, और इस तरफ खड़ी है अपनी एयरलाइन ए स्काई, जो कि टोगो की एयरलाइन है, और ये पूरे अफ्रीका में उड़ती है, हमको केप वर्डे छोड़ने के बाद ये टोगो जाएगी, तो ये काफ़ी बड़ी एयरलाइन है। खैर कीनिया एयरवेज तो है ही बड़ी, ये भी अफ्रीका में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डेस्टिनेशन फ्लाई करती है ए स्काई, इसका मतलब मेरे को लग रहा है पूरा फुल फॉर्म हो गया अफ्रीकन स्काई या फिर कुछ ऐसा करके, ए स्काई एयरलाइन में चलते हैं आज। वो खड़ी भाई बड़े वाला जहाज सेनेगल एयर का, सेनेगल एयर भी जाती है केप वर्डे पर, थोड़ी 3-4 हज़ार महंगी थी उसकी टिकट, कीनिया एयरवेज नहीं जाती केप वर्डे, अपनी ए स्काई जाती है, और इथोपियन भी जाती है, उसकी भी थोड़ी टिकट महंगी आ रही थी, और ए स्काई और इथोपियन का ना कोलैबोरेशन है, तो मेरी टिकट तो इथोपियन की आई थी, पर मैं जा ए स्काई में रहा हूँ। तो भाई मेरी फ़्लाइट हो जाती मिस, क्योंकि वहाँ पे जो लिखा आ रहा था ना बोर्ड पे लिखा आ रहा था कीनिया एयरवेज तब से, और कीनिया एयरवेज हो रखी थी लेट, उन्होंने चेंज नहीं किया बोर्ड, क्या क्या लग गया। हाँ तो मैंने दो बंदे जो मेरे साथ चेक इन कर रहे थे वो मेरे को दिख गए, वो लाइन में जाकर खड़े हो गए, उनको जाने दिया, मैंने कहा तो अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग चल रही है, फिर मैं आया, वरना आज भी ये मिस होने के कगार पे थी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया था अच्छी खासी बड़ी एयरलाइन है ये लोमे है, जो टोगो हम देश घूम के आए हैं, हम जा रहे हैं डकार से प्राए, मैं तो इसको राय कह रहा हूँ और पता नहीं क्या कहते, प्राए राय कहेंगे, और आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका तक फ्लाई करती है ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, नाइजीरिया, बेनिन, यहाँ तो सारे लाइन से सारे देश ये फ्लाई करते हैं जितने हमने घूमे हैं, लागोस, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी बिसाउ, गाम्बिया, और ये अपना आ गया सेनेगल, ये अपना आ गया माली, ये आ गया बुर्किना फासो, नाइजर, अबूजा आ गया नाइजीरिया में, ये आ गया आपका चैड में, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये आ गया उसमें यूएनडे, कैमरून में, मलाबो आ गया, इक्वेटोरियल गिनी, ये मतलब कितने देश हो गए, 20-25 देश तो फ्लाई करती है आराम से। मतलब इस एयरलाइन में भी खाने का दिया है 2 बिस्किट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मूँगफली, और ये 2 बड़े वाले बिस्कुट या फिर केक कह सकते हो, और 1 पेप्सी। सही है, 1 घंटे की फ्लाइट के हिसाब से सही है।
यही रनवे है, यहीं पे यूटर्न ले लिया, आप यहीं से वापस जा रहे हैं। सोचो भाई क्या है, मतलब साइड में कुछ वो भी ऐसी भी पट्टी नहीं है, इसी रनवे पे भी लैंड ओवर, इसी से वापस जा रहे हैं। ये हम पहुंच गए केप वर्ड है और पैदल चल के अराइवल से पहुंच जाएंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है, छोटा सा देश है। तो भाई बहुत ही रद्दी एक्सपीरियंस था यहाँ की इमिग्रेशन का, क्योंकि मैंने इनको बहुत सुना दी भाई, जितना मैं सुना सकता था सब सुना दिया। मैंने कहा चाहे वापस भेजना वापस भेज दो मेरे को, पर तुम अब जो मैं कहूँगा ना वो सुनोगे। और आपको ऐसा लग रहा होगा भाई मजाक कर रहा है, पैसे लगा के आया भाई, मेरे को कुछ नहीं है इतना। भाई एक थोड़ी इज्जत हुई जब बात आ जाती है ना, तब मैं नहीं सुनता किसी की भी, चाहे तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई। पहले तो इंडियन पासपोर्ट देखती अलग कर ले, नाइजीरियंस को अलग कर रहे, इंडियन पासपोर्ट को अलग कर रहे, मेरे को भी अलग बिठा दिया कमरे में। फिर एक बंदा आया, मेरा नाम वाम पूछा, कहता कितने पैसे हैं, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट वगैरह दिखाओ। ठीक है, तो मैंने रिटर्न फ्लाइट दिखा दी, होटल बुकिंग दिखा दी, और फिर कहता कितने पैसे। मैंने कहा एक भी रुपया नहीं मेरे पास कार्ड में, कहता चल कार्ड एटीएम मशीन पे चलते हैं। तो ठीक है मैं चला गया, मेरे को निकलवाने थे यहाँ के 20,000 कुछ। ठीक है, मैंने एटीएम से निकलवा ली, उसके सामने सामने 18,000 यहाँ की करेंसी, जो कि बन जाते हैं लगभग 200 यूरो बन जाते हैं। तो वो कहता मेरे को बैलेंस देखना है तेरा कितना है। अब भाई बैलेंस देखने पे भी मशीन ना पैसे काटती है आपके अकाउंट में से। ठीक है, वो मेरे को दिखाना नहीं था उसको बैलेंस, और मेरा बैलेंस मतलब ऐसा था कि जो मेरा मेन अकाउंट है SBI में, वो मैं कभी भी कार्ड यूज़ नहीं करता, उसको हमेशा ब्लॉक्ड रखता हूँ, बस ट्रांसफ़र्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। छोटे कार्ड में पैसे डाले, नियो या फिर और भी कोई भी करेंसी कार्ड में डाले पैसे, और उससे निकलवा लेता हूँ मैं। तो मेरे में सिर्फ 500 रुपये बचे थे सारे निकलवाने के बाद उस नियो वाले कार्ड में। तो और उसमें से भी अगर ट्रांजेक्शन में देखता हूँ कि कितने रुपए बचे हैं, तो उसके भी पैसे कटते हैं 118-120 रुपये। तो मान नहीं रहा था, मैंने दिखा दिया भाई कि 500 रुपये बचे हैं, मतलब इनकी करेंसी में कुछ 700 रुपये। तो भाई इन्होंने कहा कि चल इसका प्रिंट निकाल ले रिसिप्ट का। अब वो रिसिप्ट का प्रिंट ऐसा निकला कि उस पर लिखा ही नहीं आया मेरा बैलेंस कितना है। और उसने वो अपने इमिग्रेशन रूम में जाके देखी, अरे इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं आया। तो मेरे से जिद करने लग गया कि भाई अपने बैंक में बता कितने पैसे कितने पैसे कितने पैसे। मैंने कहा भाई मैं नहीं बताऊंगा, तूने गोरों को क्यों जाने दिया, गोरे मेरे सामने चले गए, तूने उनको तो कुछ नहीं पूछा, और तू मेरे से पूछे जा रहा है कि कितना बैलेंस है क्या है, तू डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ये वो। मैं कहता कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, मैंने कहा और क्या कर रहा है तू ये सब। भाई लड़ाई होती रही, फिर सबको भेज दिया धीरे धीरे, सबके जाँच वाँच करके सबसे बैंक बैलेंस चेक करा रहे थे, जो कि जिन पर डाउट था, मतलब डाउट वाले कौन से क्षेत्र थे, गोरों के अलावा सारे, और केप वर्डन्स के अलावा सारे। भाई मैं नहीं माना कि बैलेंस, मैंने फिर आखिरी में अपना योनो का जो SBI का होता है उसमें दिखा दिया, मेरे में थे कुल 45,000 रुपये। अब ये क्या है, डॉट को पढ़ते हैं कॉमा, कॉमा को पढ़ते हैं डॉट, पता नहीं क्या सिस्टम है। 45 का मैंने उसको समझाया कि लगभग 600 यूरो के करीब हैं ये, समझ जा तू। वो समझ गया, कहता 780 यूरो हैं। मैंने कहा हाँ भाई इतने ही हैं। फिर वो कहता चल बैठते हैं बात करते हैं। वो खड़ा रहा मेरे सामने, पूछता रहा कि क्या करते हो। मैंने कहा भाई तेरे को क्या लग रहा है कि इल्लीगल आके रहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, जबकि उन सबको पता था मेरे पास 3-3 शेंगन वीज़ा हैं, जापान के वीज़ा हैं, सारे वीज़ा हैं मेरे, उनको सबको पता था। मैंने कह दिया भाई 70 देश घूम जाऊँ, कहता यहाँ पे अलग रूल है। अरे फुद्दू कंट्री है, तुम्हारे कोई कंट्री को जानता तक नहीं है, जूम ना करो तो दिखती तक नहीं है, और अकड़ इतनी है मतलब कि अलग लेवल पे। मैंने कहा चल ठीक है यार, अब पूछ ले तू, जल्दी पूछ, जो करना है कर। मैंने कहा वापस भेजना चाहता है ना, वापस भेज दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है 1% भी अगर तू मेरे को वापस भेज देगा तो। पर मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ बहुत बेकार एक्सपीरियंस हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुई मेरे साथ, सब कुछ मैं सब बोल के आ गया, कुछ नहीं आखिरी तक भी मैंने बोला, अभी भी तू भेजना चाहता है ना मेरे को वापस भेज दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कहता कि ये रॉयल एयर मोरक्को जाएगा, कासाब्लांका दुबई जाएगा, इसका ये वाला होटल है, सब लिखा उसने। फिर इमिग्रेशन में फिर पूछने लग गए, तो मैंने फिर उनको भी बता दिया, मैं भी थक गया था। मैंने पर पूरी बेइज्जती करी भाई, सारे ऑफिसर मतलब एक तो नाइजीरियन बंदी थी वो रोने लग गई वहाँ पे, उसको मतलब एंट्री नहीं दे रहे थे लोग। तो यार तुम अपना वीज़ा ऑन अराइवल हटा दो ना, अगर तुमको बैंक बैलेंस, होटल बुकिंग, एयर टिकट सब कुछ चेक ही करना है, तो फिर एक काम करो अपने एम्बेसी से दो वीज़ा। तो इनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि एम्बेसी हर देश में खोल लें, नंगे लोग हैं बिल्कुल, इतना सा देश है, क्या बताऊँ कितना सा देश है, इतना सा देश है और इनके पास पैसे हैं नहीं एम्बेसी खोलने के, खोल पा नहीं रहे हैं, सबको यहाँ पे बुला के हरास करते हैं। तो बिल्कुल हरासमेंट हुई है एक तरह से, मतलब ये मान लो मैं तो आखिरी तक बोलता है कि आई फील वेरी हराश्ड, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कहता भाई तेरे को अच्छा लगे ना लगे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ के लॉज हैं। मैंने कह दिया साहब लॉज क्या है कि गोरों को जाने दो, और जो ब्राउन स्किन दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं, जो तुम्हारी कंट्री से नहीं है उनको रोक लो, बस तुम गोरों के तलवे ही चाटोगे हमेशा। मैं तो इंडिया की सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई
कि जितने भी गोरे हैं उनको ई वीज़ा हटा के उनको एम्बेसी बुला के, चाहे वीज़ा दे दो तुम, मैं कह रहा हूँ दे दो चाहे वीज़ा, पर उनको एम्बेसी बुला के एटलीस्ट अपॉइंटमेंट दे के फिर वीज़ा 10 क्वेश्चन पूछ के, जैसे यूके वालों के साथ हम करते हैं, उनको एम्बेसी बुला के वीज़ा लेना पड़ता है यूके वालों को, पर फ्रांस वगैरह के साथ पता नहीं हम क्यों नहीं करते भाई, चाहे उनको वीज़ा दे दो, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई ठीक है वो इंडिया के नहीं भागेंगे, पर उनको एटलीस्ट एम्बेसी बुला के हरास करना शुरू करो यार, अमेरिका की तरह लाइन में खड़ा करो यार उनको इंटरव्यू देने के लिए, यार बड़ा हरासमेंट है यार यहाँ पे इनकी। देखो मैं आपको स्टैम्प दिखाता हूँ कैसी है, ठीक है, इनके इंक के लिए तो इन बेचारों के पास पैसे हैं नहीं, इंक तो देखो कैसी छपी है, पूरा वीज़ा भी ढंग से छपा नहीं है, ठीक है, और ये देखो स्टैम्प, इंक के तो इनके पास पैसे हैं नहीं और पेल रहे हैं ये पूरी, मतलब क्या बोलूँ अब मैं। और भाई फिर मैंने बाहर आके पूछा, 5900 एस्कूडोज यहाँ के लगे मेरे, अगर मैं ऑनलाइन पे करता तो $53 के करीब लगते, और $53 कुछ हो जाते हैं शायद, और शायद 5900 ही होते थे, और यहाँ पे आके कैश भी मैंने 5900 ही दिया। पहले मैं सोच रहा कार्ड से पेमेंट कर दूँ, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार अब इनके देश में इतना खर्चा करना ही नहीं है, मिनिमम करेंगे। तो मैंने बाहर आके पूछा कि भाई क्या साधन है यहाँ से सिटी जाने का, कहती ओनली टैक्सी, सिर्फ और सिर्फ टैक्सी है यहाँ पर। मैंने कहा सुबह चलती हैं बस, मैं रात को ही सो जाता अगर सुबह बस चलती होती तो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई अब यार, मतलब यार खुद्दू देश बिल्कुल, मतलब कुछ जानता तक नहीं है इस देश को। और वो मेरे से बंदा कहता है बहुत सारे इंडियन यहाँ पे आते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे, उनके पैसे होते नहीं, वापस जाकर वहीं काम करने लग जाते हैं। मैंने कहा यार कितने ही होंगे वो लोग जितने इंडियन आ रहे, जितने तुम्हारे नाइजीरियन वगैरह आ रहे हैं ये ज़्यादा रहते हैं, पर भाई मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब हैरानी होती है यार कि इतना चुनिंदा देश इनका। हाँ मैंने सोचा कि यार इतना कर रहे हैं इनको तो पासपोर्ट रैंकिंग इनकी काफ़ी अच्छी होगी, यूरोप इनको वीज़ा फ्री देता हो घंटा यूरोप वीज़ा फ्री नहीं देता। पोर्तुगीज़ ने यहाँ पे राज किया 1400 से, मतलब 1400 ये आइलैंड खाली पड़े थे, पोर्तुगीज़ ने आके बसाया था आइलैंड 1400 में 1400 ईयर के करीब, 1438 के करीब। और मेरे को लगा वीज़ा देते होंगे जैसे ब्राज़ील वगैरह वालों को देते हैं, पर घंटा नहीं देते इनके पासपोर्ट पे, सिर्फ 67 कंट्री जा सकते हो और वो भी इकोवास रीजन की, 15 कंट्री तो इकोवास ही है जो वेस्ट अफ्रीका में जितनी कंट्रीज हैं, और नाइजीरिया तो इकोवास में आता है, तब भी अपने इकोवास वाले बंदों को इन्होंने परेशान कर रखा है, सेनेगल गिनी बिसाओ वगैरह वाले आ रखे थे उनको एंट्री नहीं दे रहे। भाई मैंने कहा तुम ये छोटा सा फुद्दू सा नेशन अपने आप को क्या समझ रहा है, देख लो भाई अकड़ देखो अलग लेवल पे है। तो मैंने कहा अब क्या जल्दी है शहर में जाने की, दिन तो काला कर ही दिया तुमने, 8 बजा दिए हैं, 5:20 पे लैंड हुई थी फ्लाइट, 2.5 घंटे तो पानी में रद्दी कर ही दिए हैं, अब तो जाके सो ही सकता हूँ मैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी जाने का मन सा नहीं है मेरा, सुबह ही जाएंगे। चलो बहुत ज़्यादा हरासमेंट है यार, मतलब एक चमड़ी के ऊपर हरासमेंट चल रही है, और वो भी उस देश के द्वारा जिसके खुद लोग काले हैं भाई। अब लोग कहेंगे ऐसे शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो यार, वहाँ पे आप बैठोगे ना, आप जब ट्रैवल करोगे ना यार, तब आपको पता चलेगा कि क्या इज्जत है यार क्या नहीं है, क्या बोलूँ यार। और जब सब ने देखा मेरे पासपोर्ट, जितने भी ऑफिसर थे सारे कह रहे शेंगन वीज़ा ओ फ्रांस वीज़ा ओ स्पेन वीज़ा, सारे ऐसे चौंक रहे थे। और दूसरा पासपोर्ट निकाल के दिखा दिया मैंने कहा ले पकड़ देख, जापान वीज़ा इसराइल वीज़ा साउथ कोरिया सारे पड़े थे मेरे पास, पर नहीं इनको वेरीफाई कर नहीं सकते वीज़ा, ये अपना हीरोपंती करने, अरे हीरोपंती देखो यार इंक भरवाने के स्टैम्पों में पैसे नहीं है तुम्हारे पास, एयरपोर्ट पे इंक भरवाने के पैसे नहीं है और तुम पेल रहे हो यहाँ पे, मतलब अपनी अलग लेवल की हवाबाजी चल रही है। चलो अब चलते हैं होटल, क्या कर सकते हैं। मैंने टैक्सी का पूछा कहती 1000 तक लेगा, तो 1000 तक में मानते हैं तो ठीक है, 1000 में कल भी जाना है आज भी जाना है, आज जाके आराम से सो जाते हैं वरना कल सुबह सुबह जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं यार, मूड सा तो ऑफ हो गया, मेरे को लगा था अच्छा आइलैंड नेशन होगा, होगा लोग तो अच्छे ही होंगे, पर इनकी थोड़ी पॉलिसीज बेकार है बिल्कुल। तो भाई ये मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया था, अब अंदर जा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं टैक्सी वालों से बात करने आया कि कितने लोग हैं। मैंने अपने होस्ट को जो मतलब होटल वाला है नई booking.com पे डाली है, उसने काफ़ी सस्ता दे रहा है वो, तो मैंने उसको मैसेज किया कि कितना देना चाहिए, तो कहता 1000 से 1500। तो बाहर मैं गया और मैंने यहाँ से पूछा तो ये भी कहती 1000 देना चाहिए, तो मैं बाहर गया तो वहाँ पे एक टैक्सी वाला कहता मैं 1500 लूँगा ठीक है, और दूसरे वाला कहता कि मैं लूँगा, मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं नो प्रॉब्लम, मेरे को नहीं जाना, मैं सुबह चला जाऊँगा, मैं यहीं सो जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि भाई फालतू में फालतू फंड जाके सोना ही है, यहाँ वाईफाई तो है ही, मेरा काम चल रहा है। तो भाई दूसरे मैं जाने लगा वहाँ से, तो एक बंदा कहता ठीक है मैं तेरे को 1000 में ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई 1000 में चल ले तू मेरे साथ। वो सारे चिल्लाने लग गए भाई तू क्यों जा रहा है, हम नहीं जा रहे। भाई तुमको क्या दिक्कत है, उस बंदे को पैसे कमाने हैं तो कमाने दो, ये है क्या, ये नहीं है। तो भाई तुमको क्या दिक्कत है, उसको पैसे कमाने तो कमाने दो। तो भाई एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे देखो आप, पहले कुछ भी नहीं है, अंदर घुस जाओ बाहर आ जाओ। कई सारे गोरे यहाँ क्यों पड़े हैं, क्योंकि उनको सुबह जाना होता है, गोरे काम कर रहे हैं, कोई इनकी फ्लाइट व्लाइट नहीं है, बस ऐसे ही। टैक्सी वाला टैक्सी में बिठाने के बाद कहने लग गया डेढ़ हज़ार लूँगा, मतलब ऐसे ज़ोर से तो नहीं बोला, आराम से बोल रहा था। मैंने कहा 1000 दूंगा यहीं से वापस मोड़ ले एयरपोर्ट के लिए चाहे। भाई उसने फिर उतार दिया मेरे को ऐसे ही, और मेरे होस्ट ने ऐसा ही थोड़ा अजीब सा एड्रेस दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं उतर के देखते हैं। तो एक बंदा मिल गया, उससे कॉल कराई, उसने कॉल कर दी, तो पहुँच गए, देखते हैं कैसा क्या घर है अपने इस बंदे का। होटल पहुँच गया मैं, होटल नहीं एक तरह एयरबीएनबी कह सकते हो आप, पूरे घर में एक कमरा मेरे को दे दिया है। तो ये कमरा है, वैसे तो मैंने बंक बेड वाला बुक करा था, मतलब उसमें 2 बंक बेड पर रहता मैं अकेला ही, पर वो कहता उस रूम का ना एसी नहीं चल रहा, आप इसमें आ जाओ, क्योंकि जिसने ये बुक किया था वो बंदे आए नहीं। तो यहाँ पे एसी चल रहा है, घर दिखाता हूँ आपको कैसा है। मस्त है यार, अभी इसने नया करा है, हेल्टन्स रेजिडेंस करके है, और सस्ता भी पड़ा है बहुत। देखो ये है पूरा घर, वॉशिंग मशीन पूरी, बड़ी किचन, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सब कुछ, मतलब नया घर बना है ये, और इसने शायद अब रेंट पे चढ़ा है ये वाला, तो बड़ा सही है। मेरे को पड़ा 6600 यहाँ की करेंसी, हाँ 3 रात का, तो मतलब 2200 यहाँ की करेंसी, और यहाँ की करेंसी है एस्कुआडोस, केप वर्दियन एस्कुआडोस, जो कि बनता है हमारा यहाँ का एक एस्कुआडो अपना बनता है 75 पैसे। तो मतलब यहाँ के 1000 एस्कुआडो जो बनते हैं वो हमारे बनते हैं 750, ऐसा हिसाब लगाना ज़्यादा इजी है। और आप हैरान हो जाओगे जान के कि जो वेस्ट अफ्रीकन सीफा जो हम यूज़ कर रहे थे 5-6 देशों में यूज़ किया, और एस्कुआडो जो है ये यूरो से पैक्ड है, मतलब यूरो गिरेगा तो ये गिरेगा, और ये चढ़े यूरो चढ़ेगा तो ये चढ़ेगा। तो इनका फिक्स रेट है 1 यूरो, डॉलर नहीं, 1 यूरो इज इक्वल टू 110 एस्कुआडोस, और वहाँ का उनका फिक्स था वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक वालों का 1 यूरो इज इक्वल टू 655 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो एक तरह से एस्कुआडोस और फ्रैंक भी एक तरह से पैग हो गए एक दूसरे से, तो मतलब इनका भी फिक्स रेट रहता है। तो मेरे पास 10,000 फ्रैंक का भी नोट बचा है, जो कि बनता तो 1680 एस्कुआडोस है, पर एयरपोर्ट पे दे रहे थे 1300। मैंने कहा भाई सही चूना लगा रहे हो, तुम्हारे इमिग्रेशन वालों ने सिर में दर्द कर दिया, और भाई टैक्सी वाले पे सारा गुस्सा निकाल दिया मैंने। मैं उसको क्या बताया, अच्छे मूड में आता ना तो उसको 1200-1300 दे देता, पर मैंने कहा अब तो 1000 का नोट पकड़ और मांग मत, लियो मेरे से पैसे। वो तो अच्छा हो मेरे पास सिर्फ 1000 का नोट था, अगर 2000 का होता तो 1500 ही काट लेता वो। तो इस वीडियो को रखते यहीं तक यार, थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा यार, पता नहीं क्या यूरोप ही समझ लिया अपने आपको, यूरोप जैसे झंडा बना लिया तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर ही समझ लिया अपने आपको इन लोगों ने। 67 कंट्री तुमको वीजा फ्री एंट्री देती है, तो क्या समझ रहे हो अपने आपको, नॉनसेंस यार, नॉनसेंस।